उज्जैन के पिपली नगर क्षेत्र में निवास करने वाले फॉरेस्ट गार्ड मदनलाल वर्मा जो देवास जिले में पदस्थ थे इस समय और वन विभाग के शासकीय विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के रूप में तैनात थे, रतनपुर क्षेत्र के जंगल में ड्यूटी निभा रहे थे कि उसी दौरान तस्करी करने वाले लोगों ने ड्यूटी संभाल रहे फॉरेस्ट गार्ड को गोली मार दी, जिसके परिणाम यह रहे थे कि फॉरेस्ट गार्ड मदनलाल की मौत हो गई और शव जंगल से पुलिस ने जब्त किया और जांच में पाया कि मृतक के शरीर पर गोली के निशान है। शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और फिर परिजनों को सौंप दिया गया। उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के चक्र तीर्थ पर राजकीय सम्मान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।